भाई साहब अभी हम फ्लाइट में जाने वाले हैं और हमारी फ्लाइट है सामने। थैंक यू मैम। मैं और मेरी पत्नी शीला रानी अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज ये हमारी पहली ही यात्रा होने वाली है। फ्लाइट में जाने से पहले हमने अपने पासपोर्ट, टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल कार्ड यानी कि फॉरेक्स कार्ड और कुछ कैश अमाउंट फॉरेन करेंसी साथ में रख ली थी। 60 अभी चल रहा है 40 सीरीज, तो हमारी सीट अभी आगे है। फ्लाइट में जब जाना हो तो पैकेजिंग भी बहुत एहतियात के तौर पर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे टिकट में पर पर्सन 23 किलो के दो बैग अलाउ थे। उसी हिसाब से हमने अपनी पैकिंग करी और पैकिंग करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि आपके बैग में यानी कि चेक इन बैग में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ना हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो उसको आप अपने केबिन बैग में रख सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपनी यात्रा को विस्तारा फ्लाइट से करने वाले हैं। हमारी विस्तारा फ्लाइट का जो नंबर है UK 25, जो डिपार्चर टाइम 2 PM और उसको फ्रैंकफर्ट पहुंचने का जो टाइम है वो वहां का 7 PM, यानी कि हमारे इंडिया के 11 o'clock पर फ्रैंकफर्ट हमारी फ्लाइट पहुंच जाएगी। विस्तारा फ्लाइट में हमने देखा कि सीट बहुत ही कंफर्टेबल थी, म्यूजिक और मैगजीन की सुविधा भी उपलब्ध थी। सीट के पीछे ही एक आपका लैपटॉप टाइप की स्क्रीन लगी है जिस पर आप मूवी वगैरह भी बड़े आराम से देख सकते हैं। फ्लाइट में 2 times हमें ड्रिंक्स ऑफर की गई, 2 times कॉफ़ी और टी ऑफर की गई और 2 times फूड ऑफर किया गया। फूड्स बहुत ही डिलीशियस था। फ्लाइट में जो क्रू मेंबर्स थे वो बहुत ही फ्रेंडलीनेस एंड प्रोफेशनल थे, जो हम सभी से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। सभी लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। हम गर्म खाना मिल रहा था और खाना भी वास्तव में बहुत टेस्टी, जैसे हमारे घर में होता है उसी तरह के मसाले यूज किए हुए थे, जैसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी फ्लाइट बहुत सारे कंट्रियों के ऊपर से होकर आई है। बीच बीच में कहीं कहीं अनाउंसमेंट होता था कि आप बेल्ट बांधे रखें क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। जिस जगह पर मौसम ख़राब का अनाउंसमेंट आता था वहां हमारा प्लेन हल्का हल्का हिलता भी था और कुछ साउंड भी आती थी, पर सभी को बैठने के निर्देश होते थे और सभी लोग अपनी सीट पर बैठे रहते थे। अभी फ्लाइट के लैंडिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी फ्लाइट की लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि सभी का सामान ऊपर रखा हुआ है और धीरे धीरे लोग खड़े होकर अपने सामान को निकाल रहे हैं। आखिरकार हम इस समय फ्रैंकफर्ट पहुंच गए हैं और इस समय बजे हैं हमारे इंडियन टाइम में 11, यहाँ के बजे हैं लगभग 7। तो फ्रैंकफर्ट पहुंचकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर हम आगे की कार्रवाई जाने की करने वाले हैं। तो अभी हमारा बेटा हमारा वेट कर रहा है, जैसे ही उससे मुलाकात हो जाती है तो फिर हम आगे अपने लगेज के साथ ट्रेन या बस के द्वारा बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप फ्रैंकफर्ट पहुंचते हैं, तो फ्रैंकफर्ट पहुंचते एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप एग्जिट की तरफ जब बढ़ेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचकर अपनी सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत कन्वेयर बेल्ट से अपने लगेज को ले और एयरपोर्ट से ही आपको बस और ट्रेन दोनों सुविधाएं मिल जाती हैं। तो जिस जगह भी आप जाना चाहते हैं, जिस
ट्रांसपोर्ट को भी आप यूज़ करना चाहते हैं बड़े आराम से कर सकते हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर और बहुत ही आलीशान बना हुआ है। यहाँ आपको खाने पीने की सारी सुविधाएँ, फूड कोर्ट सब उपलब्ध हैं। तो सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पहुँचकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय हमारा बेटा और उसकी फ्रेंड दोनों हमें लेने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं और हम अब इस समय पूरी फैमिली इंजॉयमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा इंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे फिर अपने बस या ट्रेन के द्वारा बर्लिन। सुनो तुम खूबसूरत हो, तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। अगर आप फ्रैंकफर्ट में घूमना चाहते हैं तो आप रोमर सेंट बार्थोलोम्यू कैथेड्रल और पालिया मैन गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट में कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए जाएं, रिवर में रिवर मेन के किनारे घूमने का मज़ा भी अलग है और मेन टावर से शहर की खूबसूरत व्यूज देखें। ट्रैवल टिप्स में फ्रैंकफर्ट कार्ड का इस्तेमाल जरूर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें, शहर के बदलते हुए मौसम का भी ध्यान रखें और अपने ट्रिप का भी पूरा आनंद लें। बर्फियों की भाग सी नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटे, थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आंच दो नजर, शाबाश। शेर आ गए हमारे, शेर आ गए, शेर आ गए, शेर भाई साहब। हो रंगी से ये बुला, हिप हिप हुर्रे, वी आर इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो लास्टली हम पहुंच ही गए जर्मनी और मिल लिए अपने बच्चों से। सब इस समय पूरी फैमिली मिल गई है यहाँ हमारी, देखो। हाँ जी। और पूरी फैमिली अभी इंजॉय करने वाली है कहाँ, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में। यार शिप इतना बड़ा था, 300 पैसेंजर्स थे उसके अंदर। क्या फ्लाइट क्यों, क्या प्लेन इतना बड़ा था कि हम, मैं तो बिल्कुल सेंटर में था। और जब जब और जब वो ऊपर उठा, जब वो ऊपर उठा तब तो पता चला, और फिर तो स्ट्रेट है जैसे वहीं खड़ा हो। बस वाले मैं तो फ्लस बटर गया। यार भाई भाई इतनी भाई इतनी तेज आवाज आई ना, ब्रु 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 ब्रु, क्या है यार। अब भाई साहब हैप्पी हैप्पी हैप्पी, अब हैप्पी। तो भाई जी बच्चे खाना बना के लाए हैं और अभी खाने का करेंगे थोड़ा सा बाहर एंजॉय, खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, फिर काम दूजा करेंगे और क्या। इस समय लगी है टॉयलेट और टॉयलेट ढूंढ रहे हैं है कहाँ, सबको जाना वॉशरूम, सबको वॉशरूम जाना। तो भाई साहब इस समय हम बिल्कुल फ्री होकर हल्के होकर बैठ गए हैं यहाँ। तो दोस्तों तो दोस्तों 9 घंटे की जर्नी करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं फ्रैंकफर्ट। इस समय हम बैठे हैं एयरपोर्ट पर। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।